हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आफताब इकबाल और आज मैं आपके लेकर आया हूं सैमसंग S20 प्लस का गेमिंग रिव्यू। तो आज हम करने वाले हैं S20 प्लस में पबजी टेस्ट। देखते हैं S20 प्लस हमें किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है पबजी में। सबसे पहले मैं इसकी स्पेक्स की बात करूं तो मेरे पास ये जो वेरियंट है ये है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। एंड्रॉयड 11 है ये। डिस्प्ले की बात करूँ तो एक ये सुपर एमोलेड पैनल है। इसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। बैटरी की बात करता जाऊं तो इसमें 4500 mAh की एक बैटरी आती है जिसको चार्ज करने के लिए हमें चार्जर दिया गया है 25 वोल्ट का सुपर चार्जर। तो दोस्तों अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें सैमसंग का अपना प्रोसेसर है एक्साइनोस 990 जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। तो देखना हमें यह है कि हमें किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर प्लस की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना गेमिंग टेस्ट। पबजी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास तो मैं इसको प्ले करता हूँ। पबजी ऑन हो गया है हमारा। साउंड क्वालिटी की बात करता हूँ तो साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑनेस्टली मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा इसका साउंड क्वालिटी। स्टीरियो साउंड है इसमें, एक ऊपर और एक नीचे दोनों साइड पे स्पीकर दिए गए हैं। ग्राफिक्स की बात करता जाऊँ तो ग्राफिक्स हमें मिल जाता है इसमें स्मूथ में एक्सट्रीम है, बैलेंस पे अल्ट्रा का ऑप्शन है, HDR में हमें मिल जाता है अल्ट्रा और स्मूथ पे एक्सट्रीम। और अगर मैं बात करूँ इसकी प्रोसेसर टेक्नोलॉजी की तो ये स्नैपड्रैगन 865 का कॉम्पिटिटर है। उस लिहाज से देखा जाए तो इसमें ग्राफिक्स ऑप्शन हमें बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं मिल रहे क्योंकि स्नैपड्रैगन 845 में हमें यही कुछ देखने को मिल जाता है। खैर परफॉर्मेंस वाइज क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम एक लगा लेते हैं इसमें TDM। गेम एक्सट्रीम पे है, सेटिंग में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, स्मूथ और एक्सट्रीम। और यहाँ पे मैं जायरो भी ऑन कर लेता हूँ ऑलवेज पे क्योंकि आपको पता है जायरो से ही मैं खेलता हूँ। ये बहुत ज़्यादा स्लगिश है, ये लग ही नहीं रहा कि किसी एक फ्लैगशिप फ़ोन पर मैं गेम खेल रहा हूँ। अगर आप अपने वीडियो में 60 FPS ऑन करके चेक करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गेम बिल्कुल भी 60 FPS पे नहीं चल रहा है। एक्सट्रीम का मतलब तो ये है कि कम से कम हमें 60 FPS का गेम प्ले मिलना चाहिए, लेकिन 60 FPS का गेम प्ले नहीं मिल रहा। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। लास्ट टाइम मैंने एक LG K83 का रिव्यू किया था, उसमें प्रोसेसर डायमंड सिटी 720, तो ऑनेस्टली उसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी बेहतर थी। इन एग्जाइनस 990 से काफ़ी बेहतर लगा मुझे। वो 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी इससे। इसका जायरो भी इतना फास्ट नहीं जैसे होना चाहिए, तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे मज़ेदार नहीं लग रही फ़ोन की बिल्कुल गेमिंग के हवाले से।
गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, आप देख रहे होंगे। परफॉर्मेंस दिखाने की आपको कोशिश करूंगा अगर मैं बच पाया दोस्तों। चलो कुछ ना उठाने से बेहतर कुछ ना कुछ हाथ में होना चाहिए अपने डिफेंस के लिए। याद रहा है मेरी तरफ। नहीं मार पाया मैं। ओ बंदा वही घूम रहा है, एकदम यहाँ पे घूम रहा है। लो भाई नॉक हो गया, नॉक हो गया। पिंग बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, हाई आ रही है, हाई आ रही है। बहुत ज़्यादा पिंग का इशू है यार। मुक्के लातों से मारना पड़ेगा लग रहा है। क्या निकला गया इसकी पेटी में से? चड्डी बने आने सिर्फ इसके पास। यार पिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, क्या किया जाए। ये कुछ सही चल रहा है बेहतर, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए वैसी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अच्छा अगर आप इसमें S20 प्लस में स्नैपड्रैगन वाला लेंगे तो इसमें स्नैपड्रैगन 865 मिलेगा आपको, और मेरे हिसाब में इस पे 865 और एक्साइनोस का जो 990 है इनका बिल्कुल भी कंपैरिजन बनता ही नहीं है। 865 का एक अलग ही लेवल है। तो जो भी दोस्त गेमिंग के हवाले से लेना चाह रहा है S20 प्लस, तो मेरा तो मशवरा भाई यही है कि आप यूरोपियन वेरियंट लें कोई जिसमें स्नैपड्रैगन 865 हो। हाँ इसके अलावा आप दूसरे फ़ोन पर भी जा सकते हो, वन प्लस पर जा सकते हो, LG V60 पर जा सकते हो, लेकिन अगर आप सैमसंग पे ही रहना चाहते हो तो सैमसंग का आप लें 865 वाला S20 प्लस। ये 990 वाला जो एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बेकार है। प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जाए तो इससे बेटर है कि आप किसी मिड रेंज फ़ोन को तरजीह दें। देखें किस तरह स्लैगिश हो रहा है गेम, पूरा लैग कर रहा है। ज़रा सा लोड हुआ मेरे साथ में थोड़ा टेम्परेचर भी शायद बढ़ा होगा इसलिए गेम एकदम से लैग कर रहा है। परफॉर्मेंस मज़ेदार नहीं है ये, देखें फायरिंग हुई उसी टाइम कितना एकदम से लैग हो गया फ़ोन, नॉर्मल हो गया फिर दोबारा। तो स्मूथ और एक्सट्रीम पे ये हाल है इसका। अगर हम अल्ट्रा ग्राफिक करेंगे तो ज़्यादा जाहिर है वो ज़्यादा ये परेशान करने वाला बने। थोड़ी सी हीलिंग कर लीजिए। पिंग देखें एकदम से ठीक हो जाती है, फिर मसला कर रही है। शायद ये कुछ मसला चल रहा है 4-5 दिन से। गेम देखें किस तरह लैग कर रहा है, बहुत ज़्यादा लैग है, नॉर्मल हो गया। टेम्परेचर मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, 38 समथिंग है। टेम्परेचर का इशू नहीं है इसमें, टेम्परेचर तो नॉर्मल है। और जाहिर सी बात है अगर परफॉर्मेंस होगी तो टेम्परेचर से कोई इशू भी आएगा, परफॉर्मेंस तो है नहीं।
पता नहीं मतलब क्या सोच के सैमसंग वालों ने ये प्रोसेसर इस फोन में लगा दिया है। इससे मिलती जुलती परफॉर्मेंस S10 5G की है, उसमें जो इसने वही है एग्जाइनोस का 980 है, लेकिन वो भी बिल्कुल बेकार है। हाँ नॉर्मल अगर इस्तेमाल करने के हिसाब से सही लगता है फ़ोन, परफॉर्मेंस में कहीं किसी किस्म का कोई आपको मसला नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एक गेमर हैं और आप कभी कभार सोचते हैं कि गेम खेल लेते हैं तो यकीन करें इस पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आपको गेम खेलने का। कोई बंदा आ जाए भाई, एक आध बोट ही आ जाए मार ले हम उसको। टू फिंगर से खेलता हूँ मैं प्लस जायरो। जायरो इसका बिल्कुल स्मूथ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, मतलब कि गुजारे लाइक जैसे बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि जैसे एकदम लेवल वाला नहीं है। तरह मैं खुलेआम भागा फिर ना तो कहीं ना कहीं से भी फायरिंग हो गई, मेरे ख्याल से थोड़ी सी बचत कर जाइए। यार टोटल दो बंदे रह गए, तीन तो हम खुद हैं, मतलब चिकन डिनर जीत सकता हूँ मैं हम खा के अंदर। कैसी लगी दोस्तों वीडियो आपको, और S20 Plus का एक्सपीरियंस कैसा लगा, Exynos 990 का 7 नैनोमीटर प्लस ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है इसकी, लेकिन अगर आपको सैमसंग ही लेना है तो आप स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन हो जाएगा फिर तो। पड़ा है, उड़ जा भाई उड़ जा, हम तीन बंदे हैं वो अकेला है, उड़ जाओ। अब इतना भी नहीं डरना चाहिए यार, अबे भाई उड़ जाओ यार, हिम्मत करो जवानों, बोरा बोरा लो जी तुम्हारे भैया का तुक्का लग गया गैस स्कोप के। दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, S20 Plus कैसा लगा आपको कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ।